गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, लेसन फर्स्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। एंशेंट ग्रीक एराटोस्थेनस इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। द फर्स्ट चैप्टर नेम ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। डू यू रियलाइज दैट द अर्थ comprise two major components, nature, physical environment and life forms including human being. Physical geography study the physical environment and the human geography study the relationship between the physical nature and the human worlds. The spatial distribution of human phenomena and how they come about, the social and economic differences between the different part of the world. Physical geography की के अंदर हम स्टडी करते हैं लैंड, क्लाइमेट, सोइल्स के बारे में, और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो हम हाउसेज, अर्थ, ह्यूमन बींग्स के बारे में हम उसकी स्टडी करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एटजेल के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दी है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। एंड द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर कैसा है, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशो कल्चर इन्वायरमेंट क्रिएटेड द ह्यूमन बींग थ्रू म्यूचुअल इंटर इंट्रैक्शन। यू नो दैट दीज एलिमेंट आर द लैंड फॉर्म, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, नेचर, वेजिटेशन एंड द डिवर्स फ्लोरा एंड फूना। कैन यू मेक लिस्ट, इसके एक लिस्ट भी बना सकते हैं आप, कि फिजिकल जो इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, सोयल, क्लाइमेट, वाटर, नेचर, वेजिटेशन, लैंडफॉर्म्स की हम स्टडी करते हैं। एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम स्टडी किसकी करते हैं, हाउसेज, विलेज, सिटीज, रोड, नेटवर्क्स, लैंड, इंडस्ट्रीज, फॉर्म्स, पोर्ट एटसेट्रा, आवर डेली यूज एंड टेल, ऑल अदर एलिमेंट ऑफ मेटेरियल्स कल्चर हैव बीन क्रिएटेड बाई द ह्यूमन बींग यूजिंग द रिसोर्सिस प्रोवाइड बाई द फिजिकल इन्वायरमेंट। एंड द नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स एंड द ह्यूमनलाइजेशन ऑफ नेचर। ह्यूमन बींग इंट्रैक्ट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंडिकेट द लेवल ऑफ कल्चर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ह्यूमन बींग फॉर एबल टू डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर लॉ। फॉर एग्जाम्पल, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रिक्शन एंड दैट हेल्प्ड अस द डिस्कवरी फायर्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्केट्स ऑफ द डीएनए एंड द जेनेटिक एनेबल्ड अस टू कॉन्क्योर मैनी डिजीज। This type of interactions between the primitive human society and strong forces of nature was termed as environmental determined. At that stage of very low technological development, we can image the presence of the naturalized human. These people began to understand their environment and the force of nature with the passage of time. With social and cultural development, human development better and more efficient technology. The imperatives of the human activities are the created everywhere, health, resort on highland, port on the coasts, ocean routes on the oceanic surface and the settlement satellites in the space. The earlier scholars terms this as possibilism. Nature provides opportunities and a human being make use of these and slow nature gets humanized. अब naturalized and human and humanized of nature में main जो differences क्या बताया इसने, पूरा जो मैंने paragraph read किया है, इस paragraph के अंदर जो मैंने अभी बताया आपको कि naturalization of human के अंदर primitive society थी, प्राचीन time के अंदर जो फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले व्यक्ति थे वो वर्शिप करते थे, फॉरेस्ट की पूजा करते थे, गॉड की पूजा करते थे, चंद्रमा सन की पूजा करते थे, नेचर के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को वो बिताते थे, नेचर के अकॉर्डिंग ही लोग रहते थे। और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के अंदर क्या डिफरेंसेस है, ह्यूमन द्वारा टेक्निकल
डेवलपमेंट इसके अंदर हुई है, जैसे माने डीएनए, हेल्थ फैसिलिटीज, फास्ट प्लेन्स, और अब जो है नेचर को अपने अकॉर्डिंग बनाता है ह्यूमन। ये चीज इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस रही है, नेचुरलाइजेशन ह्यूमन एंड द ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के अंदर। द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमनिज्म ऑफ नेचर, प्रकृति का मानवीकरण। यहां हम एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार प्रकृति के ऊपर ह्यूमन ने विजय प्राप्त की है, और एक लेडीज़ का एग्जांपल देंगे यहाँ, कैरी, जो बहुत ही ठंडे इलाके में रहती है, उसके बारे में एक एग्जांपल देंगे। विंटर्स इन द टाउन ऑफ टाइनहाइम मीन फोर्स विंड एंड हैवी स्नो, द स्काई आर डार्क फॉर मंथ्स, कई महीने तक वहाँ डार्क रहता है, मंथ मतलब आकाश बिल्कुल अंधेरा रहता है इस एरिया में। कैरी ड्राइव टू वर्क इन द डार्क एट 8 AM, she has special types for the winter and keep the headlight to off her power car, powerful car switch on, मतलब उसको अपनी कार का स्विच ऑन करना पड़ता है, लाइट जगानी पड़ती है, इतना ज़्यादा अंधेरा होता है। हर ऑफिस इज आर्टिफिशली हेडिड एट ए कम्फर्टेबल 23 degrees Celsius, और अपने ऑफिस को वो 23 degrees Celsius पे गर्म करके रखती है, मतलब वहाँ इतनी ठंड होती है, और ये सब ह्यूमनिज्म के कारण, मनुष्य की टेक्नोलॉजी के कारण ऐसा संभव है। इवन थॉट फ्रेश वेजिटेबल एंड द प्लांट डोंट ग्रो इन सच हार्श वेदर, कैरी कीप एन ऑर्चिड ऑन हर डेस्क एंड एंजॉय ईटिंग ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाइक बनाना एंड कीवी। कैरी क्या करती है कि ट्रॉपिकल फ्रूट्स, जो उष्णकटिबंध में गर्म क्षेत्र में पैदा होने वाले फ्रूट्स हैं, उन फ्रूट्स को कहाँ बनाती है, वो अपनी ठंडे एरिया में उनको वो लगाती है, जिसके कारण वो इजी से उनको पा सकती है। इट्स मीन्स प्रकृति के ऊपर, मनुष्य की विजय के ऊपर यहाँ हम टॉपिक लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बता रहे हैं। इट इज़ टेक्नोलॉजी दैट हैज़ अलाउडेड द पीपल ऑफ टाइनहाइम एंड अदर टू, टाइनहाइम क्या है, जगह का नाम है, प्लेस है जहाँ ये कैरी रहती है, एंड अदर टू ओवरकम्स टू द कॉन्स्टेंट्स इम्पोज बाई द नेचर। ए जोग्राफर ग्रिफ्थ टेलर इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्सेप्ट विच रिलीफ एंड रिफ्लेक्ट्स ए मिडल पथ, मध्यम मार्ग बिटवीन टू आइडिया ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड द पॉसिबिलिज्म। ही टर्म्स इट इज एज न्योडिटर्मिनिज्म, उसने एक नया नाम दिया इसका, न्योडिटर्मिनिज्म निश्चयवाद, और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म रुको जागो, और डिटर्मिनिज्म निश्चित आगे बढ़ो जागो। इट मीन्स दैट अ ह्यूमन बींग कैन कॉन्क्वर नेचर बाई ओबिंग इट, इट मीन्स दैट पॉसिबिलिटी कैन बी created within the limits which do not damage the environment and there is no free run without the accident. The free run which the developed economic attempt to take has already resulted in the greenhouse effect, ozone layers, depletions, global warmings, recedings, glaciers and the degrading lands. The neo-determinants conceptually attempts to bring a balance, जो उसने कहा कि न्यू डिटर्मिन्स का मतलब है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो डालता है, ओजोन लेयर जो इफेक्ट डालते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो होती है जिसे बर्फ़ पिघल जाती है और सी का लेवल बढ़ जाता है, जिसे आसपास के रहने वाले इलाकों में लोग डूब जाते हैं, इन सब के बीच में न्यू डिटर्मिन्स का मतलब है द न्यू डिटर्मिन्स कॉन्सेप्टली अटैम्प्ट टू ब्रिंग ए बैलेंस, इनके बीच में एक बैलेंस बनाकर चलना है। तो यहाँ प्रकृति के बीच में और ह्यूमन के बीच में डेवलपमेंट तभी होगा जब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, हम बैलेंस बना के चलेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, द प्रोसेस ऑफ adaptations, adjustment with the modification of the environment started with the appearance of human being over the surface
ऑफ द अर्थ इन डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचेज, नीचेज मीन आवास रहन। यहाँ मैंने ये बताया कि ह्यूमन बींग अर्थ के ऊपर स्टार्ट हुआ, उसके बाद ही प्रोसेस ऑफ एडोप्टेशन एडजस्टमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट स्टार्ट हुआ आफ्टर द ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग के बाद। अर्लियर देर वॉज लिटल इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज एंड द नॉलेज अबाउट ईच अदर वॉज लिमिटेड। एंसेंट टाइम के अंदर अर्लियर जब थे उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था सोसाइटीज के बारे में। द कॉलोनियल पीरियड प्रोवाइड स्पेट्स, इट्स मीन्स प्रेरणा, प्रेरित करना टू फर्दर एक्सप्लोरेशन इन ऑर्डर टू द एसेस द रिसोर्सिस ऑफ रिलीजन एंड टू ऑब्टेन इन्वेंट्रीज और इंफॉर्मेशन। यहाँ कॉलोनियल गवर्नमेंट जब आती है, कॉलोनियल गवर्नमेंट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर आती है, तब यहाँ की रिसोर्सिस को एक्सप्लोटेशन करने के लिए और साथ में रिलीजन को, रिसोर्सिस ऑफ रिलीजन एंड टू ऑब्टेंट इन्वेंट्रीज इंफॉर्मेशन, तब वो इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं रिसोर्सिस को एक्सप्लोटेशन करने के माध्यम से। वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटिक स्कूल ऑफ थ्रो इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेनली कंसर्नड विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल। दीज इंक्लूडेड एस्पेक्ट सच एज हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। यहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम मेनली हम क्या करते हैं, हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में, इंक्लूड स्पीच के बारे में नॉलेज लेते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक फील्ड्स एंड द सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ हम ह्यूमन ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस बताएंगे जिसमें फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। ह्यूमन ज्योग्राफी एज द हैव सीन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द स्पेस दे ऑकर ओवर। दस ह्यूमन ज्योग्राफी अश्योम ए हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, इट डिवेलप्स क्लोज इंटरफेस विद अदर सिस्टर डिसिप्लिनरीज इन सोशल साइंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। यहाँ हम डिवेलपमेंट क्लोज इंटरफेस विद द अदर सिस्टर डिसिप्लिन इन सोशल साइंस, सोशल साइंस का के साथ रिलेशन या अदर डिसिप्लिनरीज ऑफ नेचर के साथ हाईली इंटर नेचर हम डेवलप करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी का। मेन यहाँ क्या कि ह्यूमन ज्योग्राफी का अदर सब्जेक्ट ज्योग्राफी के साथ क्या रिलेशन है उनके साथ उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हम यहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस की एक, जैसे इसकी नंबर वन फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके बाद सब फील्ड, उसके बाद इंटरफेस विद द सिस्टर ऑफ डिसिप्लिनरी ऑफ सोशल साइंस। फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी सोशल साइंस, सोशल साइंस के सब फील्ड कौन कौन सी हैं, बिहेवियर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लेजर, ज्योग्राफी कल्चर, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, मेडिवल ज्योग्राफी। और सब फील्ड के बाद इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिनरी, इंटरफेस का मतलब यहाँ हम क्या है कि इसकी हेल्प करने के लिए, बिहेवियर ऑफ ज्योग्राफी जो सब फील्ड है उसकी हेल्प करने के लिए कौन कौन है, सोशल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, वेलफेयर, इकोनॉमिक्स, ये यहाँ सामाजिक विषयों के सहयोगी मतलब उसके हेल्प के रूप में ये काम करते हैं, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, एपिडेमियोलॉजी, साथ में वुमेन्स स्टडी। तो इस प्रकार से अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी। और सब फील्ड के अंदर जो है इनके साथ में मिलिट्री ज्योग्राफी, ये इसकी सब फील्ड हैं, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग और टूरिज्म। और उसके बाद जो उनकी हेल्प करने वाले हैं वो रिसोर्सेज, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ये इनकी हेल्प करते हैं।